चाहे तो हम थोड़े से डाल देंगे स्प्रिंग ऑनियन, हरा प्याज का थोड़ा सा सागा। देखने में जितना सुंदर है खाने में उतना ही टेस्टी है। नमस्कार मित्रों, नमिता की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेकर के आए हैं बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी, बिल्कुल होटल स्टाइल चिली चिकन बनाना, जो खाने में बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही टिप्स और ट्रिक्स के साथ में हम इसको बनाएंगे। इंडियन चाइनीज डिश में सबसे पहले नाम आता है चिली चिकन का। अगर नॉन वेजिटेरियन है सबसे पहले हम ऑर्डर करते हैं चिली चिकन का, तो बिल्कुल होटल स्टाइल बहुत ही टेस्टी सी और बहुत ही सरल विधि से फटाफट बनने वाला। आज हम देखेंगे कि चिली चिकन को कैसे बनाएंगे। टेस्टी सर स्पेशल चिली चिकन बनाने के लिए मैंने ये चिकन लिया हुआ है, छोटे छोटे पीसेस में इनको करवाया हुआ है। अधिकतर पीसेस के बिल्कुल बोनलेस है। सबसे खास बात यही होती है जब हम चिली चिकन बनाते हैं तो इसमें बोनलेस पीस ही बहुत खाने में टेस्टी लगते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इनको अच्छी तरह से हमने वॉश कर लिया है, अच्छे दो तीन पानी से धो लिया है। तो अब सबसे पहले जो इसकी प्रक्रिया होती है वो होती है मैरिनेट करने की। तो सबसे पहले चिली चिकन को हम मैरिनेट करते हैं। तौल में देखा जाए तो ये चिकन 500 ग्राम के आसपास है। हाफ टी स्पून मैदा, हाफ टी स्पून डालेंगे ये कॉर्नफ्लोर, हम डालेंगे हाफ टी स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1/4 चम्मच डालेंगे सादा नमक, हाफ टी स्पून डाल देंगे काली मिर्च पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, अच्छा सा मिक्स करेंगे ताकि सबकी कोटिंग इसमें अच्छी सी चिकन के ऊपर हो जाएगी। किंतु हमको गाढ़ी, फ्रेंड्स बहुत ध्यान देने वाली बात है कि इसमें हमको गाढ़ी कोटिंग नहीं चाहिए, पकौड़े टाइप की। देखिए फ्रेंड्स, एक मैं सीक्रेट इसमें बता रही हूँ कि इसमें हम डालेंगे एक पिंच बेकिंग सोडा, जिससे हमारा चिली चिकन बहुत ही जूसी और बहुत ही अंदर से सॉफ्ट बनेगा। ये बहुत ही खास सीक्रेट है, शायद ही किसी ने आपको बताया होगा। और फोड़ के एक एक को डाल देंगे और सबको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि इसकी अच्छी सी एक कोटिंग हो जाएगी। इसी समय भी आधा चम्मच हम डाल देंगे सोया सॉस, ये ऑप्शनल, वैसे बाद में तो हम सॉस बनाते समय डालेंगे ही, किंतु इस समय हम जब हम सोया सॉस को डालते हैं तो ये अंदर तक चिकन में बिल्कुल मैरिनेट होकर के अंदर तक सीज जाता है। तो बस अच्छा सा सब मिक्स हो गया है मैरिनेट के लिए। अब हम इसको आधे से एक घंटे के लिए ढक करके रख देंगे। यदि गर्मी हो तो फ्रिज में रख सकते हैं और ठंड है तो बाहर भी रख सकते हैं। मैं इसको रखूंगी कि सब्जियों की तैयारी करते हैं। उसके लिए मैंने काटा हुआ है एक बड़ी सी शिमला मिर्च, जिसको थोड़े बड़े बड़े पीसेस में मैंने रफली काट लिया है, और एक मीडियम साइज का प्याज लिया है जिसको छील करके एक एक से पूरे इस तरह से निकाल लिए हैं, और साथ में मैंने ली हुई हैं दो हरी मिर्च। ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं, किंतु चिली चिकन थोड़ा तीखा तीखा सा ही अच्छा लगता है। तो बस इसको भी लंबे लंबे स्लाइसेस में मैंने काट लिया है, और हरी प्याज ली है। स्प्रिंग ओनियन का टेस्ट चिली चिकन में बहुत ही लाजवाब आता है। उसके लिए जो हरी प्याज का सफ़ेद वाला हिस्सा होता है उसको मैंने दो छोटे छोटे ले लिया है और उनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, और कुछ मैंने इसके प्याज का साग यानी स्प्रिंग ओनियन को भी काट के रख लिया है। अब आगे की तैयारी देखते हैं। अब मैंने लिया हुआ है बाउल और उसमें मैंने डाल दिया है हाफ टी स्पून कॉर्नफ्लोर और एक प्याला पानी। ये पानी देखा जाए तो 200 ml पानी होगा। इसको थोड़ा थोड़ा डाल करके एक पतला सा घोल बनाएंगे। रूम टेम्परेचर का ही मैंने पानी लिया हुआ है, उससे इसमें कॉर्नफ्लोर में कोई लम्स नहीं पड़ेगा। देखिए इस तरह से, और सारा पानी इसी में मैंने डाल दिया। अब हम इस पानी के घोल में डालेंगे 3 teaspoon सोया सॉस। फ्रेंड्स, आप कढ़ाई में भी जब बना सॉस बनाए तब डाल सकते हैं, किंतु इस समय से प्रिपेयर करके जब हम पहले से रख लेंगे तो इस ये बराबर से सब में मिक्स हो जाता है और जल्दी नहीं पड़ती है। तो 3 चाय के चम्मच के बराबर डाल रहे हैं टोमेटो सॉस,
तीखा तीखा सा अच्छा लगता है फ्रेंड्स, इसलिए हमने लिया हुआ है चिली सॉस। इसको भी एक चाय के चम्मच भर करके डाल देंगे, 1/4 चम्मच सादा नमक। नमक थोड़ी की मात्रा कम या ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि सारे सॉसेस में भी थोड़ा थोड़ा नमक रहता है, इसलिए हमने नमक की मात्रा बहुत कम डाली है। में डाल सकते हैं कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ा स्पेस बना लेंगे ताकि कोई लम्स ना पड़े। इसको भी सबको इसी में मिक्स कर लेंगे। घोल भी रेडी हो गया, सब्जियां भी रेडी हो गई। हम बनाएंगे चिली चिकन। देखिए फ्रेंड्स, ये 30 मिनट से ऊपर हो गया है और आप देख रहे होंगे अच्छी तरह से ये मैरिनेट हो गया है। इसमें चढ़ा दिया है एक कढ़ाई, कढ़ाई में डाल दिया है कुकिंग ऑयल और मीडियम हीट तक इसको गर्म किया है। इस तरह एक एक पीस लेंगे और इसमें डाल देंगे। मीडियम हाथ से इस तरह से उठाएंगे और इसको फ्राई करेंगे। जितनी आसानी से आएंगे उतने इसमें डाल देंगे। चिकन की बात आती है, चिकन मसाला हो, बटर चिकन हो, सबसे पहले नाम आता है चिली चिकन का। चाहे चाय इंडियन चाइनीज डिश हो, उसमें भी सबसे पहले चिली चिकन का नाम आता है और इसका टेस्ट बड़ा यूनिक सा रहता है। अभी इसको चलाएंगे नहीं, थोड़ा सा नीचे से हो जाए फिर इनको पलट। देखिए थोड़ा सा हो गया है नीचे, अब हम इनको पलटेंगे। गोल्डन गोल्डन, देखिए कितना सुंदर कलर आया है, बहुत ही गोल्डन है और कोई भी लेयर ओवर नहीं है, पतली सी लेयर जिस तरह से हम चाह रहे थे। ये टेस्टी है फ्रेंड, कि चाहे तो आप इस तरह से स्नैक्स के रूप में भी खा सकते हैं। फ्रेंड्स, होटल वाले जब बनाते हैं तो इस समय इन चिकली चिकन के पीसेस को निकाल लेते हैं और फिर आधे घंटे बाद फिर से इसको ऑयल में फ्राई करते हैं। किंतु मैं उतना ऑयली नहीं बना रही हूँ, किंतु इसका टेस्ट बिल्कुल होटली जैसा ऑसम सा आएगा, इसलिए मैं इसी समय इसको थोड़ा सा और डीप फ्राई और गोल्डन सा होने तक और फ्राई करें। देखिए सभी बिल्कुल गोल्डन गोल्डन से हो गए हैं। अब हम इनको एक बैच को निकाल लेंगे। जैसे मैंने सभी एक बैच को निकाल लिया है और बाकी के जो चिकन पीसेज हैं उनको भी इसी तरह से फ्राई करेंगे। देखिए इस तरह से सारे चिकन को हमने फ्राई करके रख लिया है। अब इसके सॉस की तैयारी करते हैं। चिली चिकन का सॉस बनाने के लिए मैंने एक पैन चढ़ा दिया है और पैन में डाल दिया है 2 चम्मच तेल। तेल जो है हमको थोड़ा सा स्मोकी सा फ्लेवर चाहिए, इसलिए तेल इतना गर्म हो कि अच्छी तरह से इसमें धुआं छोड़ने लगेगा। तेल में तेज धुआं छोड़ने लगा है। अब मैंने जो सफ़ेद वाली हरी प्याज काटी थी उसको इसी में डालेंगे। जो 2 हरी मिर्च मैंने काटी हुई थी, 1 चाय के चम्मच के बराबर अदरक लहसुन का पेस्ट उसको इसमें डालेंगे। इसकी जगह फ्रेंड्स आप अदरक और लहसुन को पतले पतले स्लाइसेस में भी काट के डाल सकते हैं। बस इसको ज़्यादा नहीं पकाना है, अदरक और लहसुन थोड़ा सा पक जाए, कच्चा पन ना रहे इसको। बस 1-1.5 मिनट हो गया है, इस समय हम डाल देंगे ये मैंने जो शिमला मिर्च काटी थी, और साथ में ही डाल देंगे ये प्याज के टुकड़े, स्प्रिंग ऑनियन में मिलके इस तरह से टॉस करेंगे। तीखा तीखा सा खाने के लिए मैंने लिया हुआ है पीपर पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, इसको भी 1 चाय के चम्मच के बराबर डालेंगे और साथ में चलाएंगे। बिल्कुल बहुत ही 1 पिंच हमने डाला हुआ है सादा नमक, क्योंकि और सॉसेस में सब देखें और सॉसेस में चिकन में सब में नमक की मात्रा पड़ी हुई है। बस थोड़ा सा सॉफ्ट होने में आसानी हो जाएगी, इतना ही हमको चलाना है। गैस की फ्लेम फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे कि बिल्कुल हाई पे रखेंगे। थोड़ा सा स्मोकी टेस्ट हमको देने के लिए इन सबको हाई पे ही पकाएंगे। अगर 1-1.5 मिनट हो गया है और ये शिमला मिर्च प्याज हो गई है। अब मैंने जो इसका घोल बनाया करके पहले से ही रख लिया था, इसको इस तरह से पेंदी से 1-2 बार चलाएंगे, क्योंकि जो कॉर्नफ्लोर है वो पेंदी पे बैठ जाता है। इस तरह से चलाएंगे और इसको इसमें सबको डाल देंगे।
और चलाते हुए अच्छा सा खोल आने का इंतज़ार करेंगे। देखिए अच्छा सा खोल आने लगा है। अब सारे सॉसेस के टेस्ट को बैलेंस करने के लिए मैंने ली हुई है एक चुटकी शक्कर, इसको भी इसी में डाल देंगे। जो मैंने चिकन फ्राई करके रखे हुए थे उनको भी इसी समय हम डालेंगे। बहुत ही स्पेशल सी डिश है फ्रेंड्स, इस विधि से आप घर में ज़रूर बना करके देखिएगा। और जो मैंने इसमें टिप्स बताई हुई हैं कि बेकिंग सोडा ज़रूर डालिएगा फ्रेंड्स, और जो घोल है हमारा वो कितना गाढ़ा होना चाहिए, ये बस इस तरह से टॉस करते हुए हाई फ्लेम पर ही हम इसके थोड़ा सा सूखने का इंतज़ार करेंगे। 1 से 2 मिनट लगेगा ताकि सारे सॉसेस चिकन पीस में और चिली चिकन में अच्छी तरह से चिली चिकन बन करके रेडी होगा। इस तरह चलाते हुए 1-2 मिनट तक हम इसको खुला ही पकाएंगे। 2 मिनट के लगभग हो गया है। और चिली चिकन की खास बात यह रहती है कि चाहे आप सूखा बनाएं स्नैक्स के रूप में और चाहे आप थोड़ा ग्रेवी वाला बनाएं, दोनों तरह से चिली चिकन बन करके रेडी हो जाता है। यदि आपको ग्रेवी वाला चिकन चाहिए है तो फ्रेंड्स इसी समय पर गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और थोड़ी थोड़ी सी आप देख रहे होंगे कि ग्रेवी इसकी दिखाई दे रही है। और यदि हमको सूखा, मैं सूखा बना रही हूँ, तो इसके लिए बस थोड़ा सा 1-2 मिनट और हम पकाएंगे। 3 मिनट और हो गया है और बिल्कुल आप देख रहे हो कि ये ड्राई सा हो गया है। बस हमारा चिली चिकन गर्मा गर्म सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। इसे डाल देंगे स्प्रिंग ऑनियन, हरा प्याज का थोड़ा सा सागा। सबसे बड़े सीक्रेट की बात फ्रेंड्स ये है, चिकन मसाला हो, बटर चिकन हो, इस सबसे चिली चिकन की रेसिपी बनाने में मुझको सबसे सरल लगती है और बहुत ही फटाफट बन जाती है। देख रहे होंगे कितना सुंदर, देखने में इसका टेक्सचर कितना फाइन है, बिल्कुल लग रहा होगा ना होटल स्टाइल, बिल्कुल चिली चिकन बन करके सर्व करने के लिए रेडी है। अब हम गैस की फ्लेम को कर देंगे बंद और गर्मा गर्म सर्व करेंगे। देखा फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही शानदार टेस्ट वाला, बिल्कुल होटल स्टाइल चिली चिकन सर्व करने के लिए रेडी है। बहुत ही टिप्स और ट्रिक्स वाली ये चिली चिकन की रेसिपी अगर आपको पसंद आती है तो अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स पर आपके आंसर का हमको इंतज़ार रहेगा। और हाँ फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल नमिता की रसोई को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ नमिता की रसोई चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि आगे आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास तक पहुँचे। अब हम फिर एक टेस्टी सी रेसिपी के साथ, तब तक टेक केयर, बाय बाय।